गुलफाम की जो हरकतें हैं ना, उस वजह से हमें पुलिस ने रोक ली है। फाम ये दो ग्लव्स हैं, ये जरा लाइट वेट है, ये क्लासी ज्यादा लग रहा है, कौन सा बेहतर है? लो जी, इसने जो है एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है, वरना मैंने अकेला नहीं अपार्टमेंट में बैठना। इधर भूत है। सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वक्त मैं हूँ इटली में और ये देखें गुलफाम साथ है। आज पहला दिन है मेरा इटली में, हम दोनों कॉफी पीने जा रहे हैं। कल रात को मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ और इतनी ठंड हुई हुई थी रात को, मुझे अखीर हो गई है यार। 6 डिग्री टेम्परेचर था, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर इतनी सर्दी हुई हुई है, और गला जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, इसीलिए अब कॉफी पीने जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा टिकोर हो। ठीक है, इस बहुत ही खूबसूरत कैफे में आए हैं और मैंने एक तो कॉफी ऑर्डर की है और साथ ये चॉकलेट और इसके अंदर बिस्किट है, और गुलफाम जो है वो बैठा हुआ सुकून से। ठंड मुझे लग रही है और गर्म जैकेट पहन के हीटर में तुम बैठ गए हो। सर्दी, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ठीक है, बस अभी काफी आ रही है तो काफी एंजॉय करते हैं। तो स्लो स्लो बोल रहा है ना, बीच में वो डालूंगा, मेम नहीं है, जल्दी बोल, सुबह पनवेल निकलना है। गुलफाम जो है बड़ी जरूरी बात कर रहा है। अली भाई पता क्या है, जो पाकिस्तान है इसको स्टैंड लेना चाहिए फलस्तीन के साथ, जो है ना चाहिए, बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम एक एटमी पावर है। ऐसे ही है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जी नाश्ता आ गया, कैपेचिनो और साथ ये नया कोई डिजर्ट है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। गुलफाम ने ब्रोच लिया है, इसको जी अब टेस्ट करते हैं। हाय हाय, बहुत मजे किया। कॉफी जी पी ली है और अब हम एक शॉप के ऊपर जा रहे हैं, मैंने ग्लव्स लेने हैं क्योंकि रात को यहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है। गुलफाम जो है हो सकता है मुझे गिफ्ट कर दे आज ग्लव्स। आवाज क्यों थोड़ी आहिस्ता हो गई है गिफ्ट के नाम अली। ये भी हम एक शॉप में गए थे तो बड़ा शुगल हुआ है वहाँ पर, मैंने उसे पूछा कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है क्योंकि मेरी इटालियन इतनी अच्छी नहीं है। वो मुझे आगे से कहता है तुझे आती है इटालियन बोलनी? तो यहाँ पर जो लोग हैं ना बड़े नेशनलिस्ट हैं और बड़ा प्राइड फील करते हैं अपनी जबान बोलने में। देखें जी रोड कितनी खूबसूरत लग रही है। गुलफाम मुझे को 500 मीटर चला के रोड दिखाने लाया है, मैंने उसको कहा भाई ये इस तरह की जो रोमांटिक जगह है उधर लड़कियों के साथ आते हैं तो मुझे क्यों लेकर आ रहा है। बात तो सही है, गुलफाम इटली में रह रहे कि तेरा कहीं सीन चेंज तो नहीं हो गया, कहीं दूसरा झंडे वाला सीन तो नहीं हो गया? नहीं अली भाई, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। गुलफाम की जो हरकतें हैं ना, उस वजह से हमें पुलिस ने रोक ली है और अब वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। अभी देखते हैं ये अरेस्ट होता है कि नहीं, इसके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं कि नहीं है, अभी पता चलने लगा है। अभी ऐसे मिसाल है उन्हें कि घोड़े दे पिछों दी ते पुलिस वाले दे अगों दी नहीं लगना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है। गुलफाम का जो है बड़ा लंबा पुलिस ने इंटरव्यू किया, बड़ी जामिया तलाशी के बाद जाने दी है। पता नहीं मेरे पीछे से क्या क्या हरकतें यहाँ पर करता रहता है, किसी लड़की ने तो नहीं तेरी शिकायत की? उन्होंने शक हो गया सी कि मुंडे कोल किते चर्स तो नहीं हैगी। लेकिन कुछ भी नहीं बरामद होया। यार इस बंदे का आप दिमाग देखे कि इसने पुलिस की नियत पकड़ ली है कि उनको शक हो गया था कि इसके पास चर्स है। ओ भाई तू इटली में फिर रहा है, इधर कहाँ से चर्स आ गई तेरे पास? नहीं भाई तो सब कुछ लग जाता है, समझ रहे हो। यहाँ पर बात सीखने वाली ये है कि यूरोप के अंदर आप कहीं पे भी चेक हो सकते हैं, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। और एशियंस को पकड़ते हैं वो काले बालों से, जहाँ पर काले बालों वाले लोग मिलते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स अक्सर चेक करते हैं। बड़ी खूबसूरत जो है वो धूप निकली हुई है, बड़ा मजा आ रहा है और गुलफाम सेट होके धूप में बैठ गया है। ठीक है, तलाशी भी आज हो गई है, डॉक्यूमेंट्स भी सारे चेक हो गए हैं, क्लियर हो गया लड़का, मजा आ गया जी धूप में बैठ के, यकीन करें सुकून मिला है। गुलफाम ऐसे बाल रख ले तू, चेक करो यार इस बंदे के बाल किस टाइप के हैं। 1.5 साल तो मेरा ख्याल इन्हें नहाता कोई नहीं है। ये देखें कितना पला हुआ कबूतर जा रहा है, और यहाँ पर कबूतर इंसानों से डरते भी नहीं है। अली भाई कबूतर जड़े ने पाकिस्तान लोग जानवरों को खिलौने नहीं देते हैं, दिल करता तो कोई बंदा इन्हें चौक वट्टा मारदा। ये आप देख लें, दुनिया के हर टॉपिक के ऊपर इसको नॉलेज है भाई, तू हर शहर का प्रोफेसर है। पुलिस की सोच रही है, कबूतर क्यों पैदल चल रहे ने, सब कुछ इनू पता है। ए कुत्ते दा भी दस दे के ऐदा की सीन है, ए क्यों नस रहे है? इनू बाथरूम आया है। लो जी इसने जो है एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है, ये आन होती है पता नहीं ना। इधर भूत है। अभी जो है सीन ये है कि थोड़ी देर में मैंने जाना है गाड़ी रेंट पे लेने के लिए, तो वो देखेंगे कि कैसी गाड़ी मिलती है। ग्लव्स की खोज में हम घूम रहे हैं, आगे एक मार्केट है उधर ये मुझे लेके जा रहा है। देखें जी एक स्टोर के ऊपर आए हैं और सेल लगी हुई है यहाँ पर, तो ब्लैक फ्राइडे की जो सेलें हैं वो अब हर दुकान में लगी हुई है। ये है जी ग्लव्स जो देखा है, देखें जी लेदर का है और अंदर फ्लीस लगी हुई है, बड़ा गर्म है। प्राइस इसकी है जी 30 यूरोस, 150 रुपया देगा जी। एक और ग्लव मिला है, ये कपड़े वाला है लेकिन ये लेदर वाला मुझे बेहतर लग रहा है। ये है जी लेदर का एक और ग्लव, ये इधर से लेदर है, यहाँ से कपड़ा लगा हुआ है, लाइट वेट है, ये भी अच्छा है और ये आज की लुक है। फाम ये दो ग्लव्स हैं, ये जरा लाइट वेट है, ये क्लासी ज्यादा लग रहा है, कौन सा बेहतर है? अरे भाई ये जो ये वाला लेफ्ट
प्राइस जो इसकी है 30 यूरोज है, तो प्राइस भी ठीक है, अंदर फ्लीस भी लगी हुई है, तो यही डन कर देते हैं। जी ठीक है, गिफ्ट डन हो गया जी अली भाई। या मैंने पेमेंट करनी है? मैं कर देता हूँ अली भाई। आवाज बैठ जाती है इसका जैसे गिफ्ट का नाम आता है। ओके, सो ग्लव्स ले लिए हैं, और अच्छी बात ये थी कि इसकी प्राइस थी 30 यूरोज, तो ब्लैक फ्राइडे की वजह से 20% डिस्काउंट मिला है, तो 23 यूरोज के मिले हैं तकरीबन 7-7.5 हज़ार के। ओके जी, अब गाड़ी लेने का टाइम आ गया है, तो मैं मेट्रो जो है सामने वो देखे इसको लेके अब जाऊंगा मैं गाड़ी लेने के लिए। ब्रो जी जल्दी से ट्रेन आ गई है। गाड़ी लेने में तो बहुत बड़ा मसला हो गया, वो मैंने ड्राइवर की एज गलत डाल दी थी, तो इसकी वजह से कैंसिल ही करानी पड़ गई बुकिंग, और बहुत ही हैवी उन्होंने मुझे चार्ज किया है। One hour later. ये देख लें, गुलफाम जो है फ्राई पैन के अंदर ही खाना खाई जा रहा है, इसने कहा प्लेट में भी नहीं डालना, सारे ही खा लो, और मेरे लिए ये बना के लाया है चॉकलेट वाला जो केक है। गुलफाम आज गाड़ी तो रेंट पे नहीं मिली, बल्कि उन्होंने टीका लगा दिया 140 यूरो का। तो दिन तो अच्छा नहीं था, लेकिन तूने जो ये केक चखाया ना, इससे यकीन कर दिन जो है बेहतर हो गया। केक जबरदस्त है भाई। हाँ केक जबरदस्त है भाई, बहुत मजा आएगा भाई, पूरा कुक है तू। कल ये बंदे ने मेरे सामने माशाल्लाह आधा किलो गोश्त खाया, और फिर इसने जो है ये गोश्त डाल दिया इसके अंदर, चेक करो जरा थोड़ी मोटी। हम अभी अपार्टमेंट में है, और गुलफाम ने अजीबो गरीब बात करके मुझे डरा दिया। यहाँ पर एक ये कमरा है, इसकी खिड़की है, और ये लाइट ना जली हुई अंदर। अली भाई इसको मैं रोज इस लाइट को बंद करता हूँ, और ये ऑन होती है, पता नहीं क्या सिस्टम है ये ना, मुझे मुझे डरा रहा भाई, क्या सीन है इस लाइट का। ये कह रहे ये वाली लाइट ये बंद करता है, और दरवाजा भी लॉक है, लेकिन इस वक्त ऑन है। वाकई बंद की थी तुझे याद है? 100% अभी मैं बंद करता हूं। चलो दरवाजा खोलो, देखते हैं क्या है। हम दरवाजा खोल के अंदर जो है वो चेक करने जा रहे हैं। अपार्टमेंट में लाइट खुद ब खुद ही जल जाती है, एक तो ये बिल्डिंगे बड़ी पुरानी है, ऊपर से कई दफा मैं अपार्टमेंट के अंदर अकेला होता हूँ। चल अब मान जा के तू भूल गया था चला के, वरना मैंने अब अकेला नहीं अपार्टमेंट में बैठना। मैंने तो आज खाना टर्किश रेस्टोरेंट से खाया था, दाना कबाब मजा आ गया था खा के। गुलफाम ने आपके सामने गोश्त और चावल खाए हैं, अभी हम निकले हैं वॉक करने के लिए। ग्लव्स पहनने का मजा आ गया, हाथ गर्म है बिल्कुल। फिर अब जो भूत का खुलासा है वो तो कल ही होगा, अब जाके देखते हैं। अली भाई मैंने अपने कमरे में चले जाने, तो आपने वो बहुत ठंड है भाई, भूत ने आपके कमरे में आ जाने, सही है ना? तो फिर मुझे आवाजें नहीं देनी आपने, सही है? ठीक है गुलफाम, भूत गए जल्दी से तेरे कमरे में ना आ जाए, ते तू तेनू मेनू ना आवाजा देनिया पै जान। उन्होंने पता है काफी अरसे तो रह रहे थे, ते जड़ा नया बंदा आया उन्हें फड़ो। वॉक जो है वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ रहा है। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज। प्लान जो है वो टोटल चेंज हो गया है, अब हम मिलान के पास जो आउटलेट्स हैं उधर जाने के बजाय जा रहे हैं स्विट्जरलैंड में, एक मॉल है वहां पर। खत्म, बाय बाय, टाटा।